अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सूरभ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 2 किलो बीफ लिया है। इसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी के डाल दिए हैं, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 किलो चने की दाल है मेरे पास, 2 किलो बीफ है और 1.5 किलो मेरे पास चने की दाल है। ये उसका मैं ये बना रही हूँ शामी कबाब, उसके बना रही हूँ। ये मैंने प्याज लिया है, 1 बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। लहसुन अदरक की पेस्ट, ये मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। साबुत गर्म मसाला 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये सब चीजें डालने के बाद हम प्रेशर कुकर को कर देंगे, इसको 20 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूंगी। इसके अंदर 1/2 ग्लास मैं पानी का और डाल दूंगी। दिया इसको मैं फिर दोबारा कवर कर दूंगी, 20 मिनट इसको और पकने दूंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें ये दाल तैयार हो गई है, गोश्त भी गल चुका है। अब हम इसको पीस लेंगे, पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस शक्ल में आ जाता है। तो मैंने चापर में डाल के पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालने लगी हूँ। नमक मिर्च मैंने पहले भी डाली थी और इसमें नमक मिर्च मैंने कम डाली थी। अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मोटी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून जीरा, हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है, ये भी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल दूंगी। प्याज मैंने 1 अदद प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। तीन अदद अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये शामी कबाब मसाला है, इसके मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने शामी कबाब मसाला डाल दिया। नेचुरल वालों का डाला है, आपने जो सा डालना है डाल दे। हरा धनिया आधी गठी हरे धनिया की मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये मैं इसके शामी अब तैयार कर रही हूँ। एक मैंने अंडा फेंट लिया है, इसमें डीप करके तवे पे मैंने घी डाल दिया, घी गर्म हो चुका है और ये मैं ऐसा ऐसा इसके अंदर शामी रखती जाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये देखे ये कितने अच्छे शामी तैयार हुए हैं। आप भी इसी रेसिपी के साथ घर में जरूर शामी कबाब बनाएं और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।